मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के द्वारा एसडीएम अंतागढ़ को 26 सरपंचों के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई कर हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं नोटिस के विरोध में सरपंच संघ ने जनपद सभागार में बैठक करते हुए कार्रवाई को लेकर विरोध जताया है। इस दौरान सरपंचों का कहना है कि उनके पास भी कोई समस्या है, वहीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई परेशानियों का जिक्र भी किया। साथ ही सरपंच संघ ने एसडीएम अंतागढ़ के समक्ष ज्ञापन सौंपा। जनपद पंचायत अंतागढ़ 26 पंचायत को नोटिस जारी किए हैं निर्माण कार्य के मतलब पूरा नहीं करने के संबंध में। तो हम सरपंच संघ हम लोग का ये है कि मटेरियल वगैरह जो है ना नहीं मिलता है, जो नरेंगा से काम होती है तो सरपंच उतना कोई सरपंच के पास उतना पैसा नहीं रहता कि वो खुद लगा के अपना काम कर सके। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम कहाँ से कर पाएंगे सब निर्माण का कार्य को। तो हम सरपंच संघ के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में जो हमारी समस्या है उसे सौंपने आए थे। कांकेर जिले के अंतर ब्लॉक के अंतर्गत 26 ग्राम पंचायत के सरपंचों को निर्माण कार्य में लापरवाही बताकर मुखिया कार्यपालन जिला पंचायत कांकेर के द्वारा अनुभवीय अधिकारी अंतर्गत को दिया गया है कि सरपंच 26 सरपंचों को निलंबित कर हटाने के लिए। तो हम नोटिस के जरिए हम आज सरपंच संघ के द्वारा ग्राम जनपद पंचायत अंतर्गत बैठक रखा गया था, जो हटाने के जो बात जिला पंचायत से कहा गया है इसको हम संघ के द्वारा घोर निंदा करते हैं और आगामी समय में इस प्रकार के सरपंच के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, यही हम लोगों का मांग है और ऐसे नहीं होना चाहिए। पंचायत सीओ की तरफ से पत्र आया था कि कुछ पंचायत में काम स्वीकृत है लेकिन समय सीमा में पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में कार्यवाही करने का पत्र लिखा गया है, जिसके माध्यम से अभी हम नोटिस जारी करके या कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। उसी के संबंध में इन लोग आज ज्ञापन दिए। अब उनका कहना है कि अभी उसमें फंड नहीं है कई योजना के लिए, उसमें कार्यवाही इसमें निर्माण कार्य नहीं हो पाया है इसलिए उसमें कार्यवाही न किया जाए करके। तो हम सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर तो देते ही हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। यदि साबित होता है तो कार्रवाई होगी, नहीं हो साबित होता है तो नहीं होगी।